वेल वेल वेल, कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू एपिसोड नंबर 5। लास्ट बार हम लोग एपिसोड नंबर 4 में इंडर ड्रैगन को हरा दिए थे, क्योंकि हम लोग को चाहिए था एलिट्रा। तो हमने एलिट्रा को लिया, उसकी हमने इंचेंटमेंट करी, काफ़ी सारे हमने मतलब काम किए थे। तो ये हम लोगों का जो पहला स्टार्टिंग में जो बेस था, हम लोगों ने इस बेस से स्टार्ट किया था। ठीक, याद है हमने क्या लिखा? ये 7 अप्रैल 2023, आई एम मूविंग अप आफ्टर डिफीटिंग द ड्रैगन। हम लोग ड्रैगन को हरा करके हमने ऊपर में इसके बाद से बेस बनाई। ठीक है, ये इंडर चेस्ट में हम लोग इतना सारा आइटम मिला था एंड सिटी से, तो हमने काफ़ी सारा चीज़ यहाँ से मूव इन कर लिया है, मतलब कि यहाँ से हम लोगों ले करके ऊपर में चले गए हैं। ठीक है, और ये देखिए बाकी सब हम लोगों ने शुरुआत में सुगर केन उगर केन बनाया था। अब हम लोग चलेंगे ऊपर, ऊपर चल करके देखते हैं कि हम लोगों का कैसा बेस है। हमने शायद इस एपिसोड में कभी भी ऊपर का सीनरी नहीं दिखाया ना। ये देखिए, और ये देखिए, पता है यही इलेक्ट्रा के लिए हमको बहुत पापड़ बेलना पड़ा। इंडर ड्रैगन को हराना जरूरी था, बिना इलेक्ट्रा का ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर देख रहे हो कैसे कैसे यहाँ पर टेरेन है, यहाँ पर वर्ल्ड ही ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर आप पैदल नहीं चल पाओ सीधा काफ़ी टाइम तक। ये देखिए अपना बेस, आज डे नंबर 110 है। ठीक है, तो हमने इतना टाइम में ना काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। ये देखिए थोड़ा मोड़ा खाने पीने का जुगाड़ हो गया, विलेजेस को हमने ट्रैप करके मिंडिंग विलेजर पाया था। पता है मिंडिंग विलेजर जल्दी मिलता नहीं यार, मिंडिंग विलेजर ना बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, मतलब कि इतना झमेला होता है ना कि क्या बताए। देखो कहाँ गया, ये देखो एक एमरल्ड के लिए एक मिंडिंग बुक मिलेगा। देखिए इसके लिए हमने मतलब काफ़ी रात तक हम वहाँ पर किए थे। फिर हम यहाँ पर आलू वलू ले आए हैं, आलू वली से अपनी खेती होती बाड़ी होगी। ये हमने मॉब फार्म बनाया था, मॉब फार्म आपको दिखाएं, मॉब फार्म अभी देखिएगा। यहाँ पे मैं उतरूंगा और ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये देखिए काफ़ी सारे मॉब स्पॉन होते हैं इसमें। अरे गिरना भाई गिरना, देखो गिरा, ये देखो ये सब मॉब्स होते हैं, यहाँ से मॉब की फार्मिंग करते हैं ताकि एक्सपी बढ़े मेरा। और हमने काफ़ी सारी इंचैंटमेंट भी ले ली थी। ये देखिए इसमें प्रोटेक्शन 4 है, मेंडिंग है इसमें, मेंडिंग अनब्रेकिंग है, अनब्रेकिंग 3, ये जो मिल पाया वो सब कर लिया हमने। बाकी हमने बुक्स वुक्स की भी फार्मिंग करी थी। जब यहाँ पर आप जाओगे ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बुक्स की भी कई सारी जुगाड़ कर ली है। आज पता है डे नंबर 110 है, लास्ट बार हम लोग जो मिले थे ना शायद डे नंबर 50 या 60 पे थे। तो हमने 40-50 दिन ना बैठ करके बस यही किया है कि यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स इकट्ठा किए। देखिए इंचैंटमेंट बुक है, हमने बुक्स की इंचैंटमेंट कर करके इसमें अप्लाई कर दिया था। और वहाँ पर हम मेरा एक्सपी फार्म है ही, बाकी सब देखो भाई मैं कोई बहुत भयंकर बिल्डर नहीं हूँ। ठीक है, मैं PvP आता थोड़ा बड़ा आता है, नहीं तो वो भी खेलने नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर अपना बेड वेड ऐसे लगा लिया, खुले में सर्दी धूप बरसात में रहते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया। फिर हमने मॉब्स की मतलब कि यहाँ पे ये सीप की फार्मिंग करी थी हमने। यहाँ पे देख रहे हो सीप्स कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, ये देखो सीप्स है अपने। ठीक है, एकदम ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। ठीक, एक बार उसमें गिर जाओ ना तो बिना इलेक्ट्रा के निकलना असंभव है, ये समझ लो एक तरीके से। तो ये है अपना बेस, आज डे नंबर 110 है। तो हमने यही सब चीज़ की अपडेट देने के लिए अपलोड करी थी कि ये वीडियो अपलोड किया। आज से एपिसोड नंबर 5 चालू हो गया है, और आज से पता है हम फेस कैम नहीं करेंगे। फेस कैम मतलब कि उतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता है। लास्ट वाला वीडियो जो वीडियो नंबर 4 था ना, एपिसोड 4 था, उसके पीछे हमने काफ़ी मेहनत करी थी, पर मेहनत का क्या बताएं यार, कोई इसमें उतना मतलब फल नहीं मिला। सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियो वही थी, पता नहीं क्या समझ में नहीं आया हमें कि क्या गलती हो गई थी। तो इसलिए हम पता है फेस कैम नहीं करने वाले, अब हम मतलब ऐसे ही डालेंगे। जितना मेरा अपलोड हो पाएगा, जितना मेरा अपडेट हो पाएगा उतना हम करेंगे। यहाँ पर पता है हमने मॉब्स को इकट्ठा करके ना, जैसे यहाँ पर मॉब्स रात को आते थे तो हम इसमें बोटिंग करके इसमें डाल करके बाहर से बंद कर देते थे, और उसके बाद से यहाँ से फिर हम उनको ले जा करके यहाँ से हमने एक ब्रिज बनाया था, ब्रिज से हम इसको जोड़ दिए थे। फॉर्चुनेटली ये सीधा जुड़ गया था तो हमको आयरन की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये हमने ब्रिज बना करके इसको जोड़ करके फिर हम यहाँ पर मॉब्स को लेकर के आए थे। उसके बाद से हमने इसको गोल्डन एप्पल ले करके उसको कन्वर्ट किया गोल्डन एप्पल और पोजिशन ऑफ वीकनेस से। उसके बाद से ये हुआ, हमको सुगर केन का भी जरूरत पड़ा है ताकि बुक्स बन पाए इंचैंटमेंट के लिए और रॉकेट के लिए। रॉकेट जरूरी है ना इस गेम प्ले में, तो हमने बुक के भी इंतजाम करी थी। उसके बाद से हम लोगों ने काफ़ी सारे चेस्ट बनाए, काफ़ी सारे हम लोगों ने ब्लॉक्स बना करके ये अपना बड़ा सा मॉब फार्म बनाया। इस मॉब फार्म की खासियत ये है ना कि मतलब इसमें ठीक ठाक स्पॉन रेट होते हैं, मतलब कि यूजफुल ही होते हैं। ठीक, और उसके बाद से हम लोगों ने ना पता है हम नेदर में भी कई बार गए, नेदर में जा करके हम लोग ना वो कुछ ब्लॉक्स लाए, जैसे ये अपना होता ना स्रूम लाइट, ये वाली ब्लॉक्स भी हम लोग लाए हैं। यार पता है यहाँ का व्यू देखोगे ना गजब का है, यहाँ का मतलब गजब का व्यू लगता है, मतलब कि एक ओपन टाइप का खुला टाइप का गजब का लगता है। ठीक है, पता है इलेट्रा क्यों जरूरत था? ये देखिए यहाँ का क्या है लुक। अगर जो हम इलेट्रा नहीं लेते तो बताइए हम कैसे ऐसे ऐसे ट्रैवल करते, और बहुत मज़ा भी आ रहा है। देख रहे हो यार, इसी दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था यार। देख रहे हो ये हमने कैसे, देखो ये वाला जो पुल बना है, पता है क्या ये पुल बना है जब हम इंडर पोर्टल ढूंढने गए थे ना, तब का है ये पुल।
ये पुल ना हम तब बनाए थे ना जब हम कोई इंटरपोल के लिए इंटरपोल करते 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 इंटर पोर्टल की तरफ जब बढ़ना था आगे, तब हमने ये वाला पुल बनाया था। आज देखो आज हम हवा में उड़ रहे हैं यार। यार पता है जब खूब एक स्ट्रगल करो ना तो बाद में बहुत मजा आता है देखने में अपना। ये देखो वाह, आई रियली लव दिस। देख रहे हो भाई, ये यही चीज़ हम टेस्टिंग में कर रहे थे क्रिएटिव में, और आज हम सर्वाइवल में कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ग्राइंड भी करी। ये देख रहे हो ये पुल हमने बनाया है यहाँ से, यहाँ ट्रेवल कर। अगर जो ये पुल दिख जाए तो समझो हम अपने बेस के बहुत करीब में है। ये देखिए एक और चीज़ वो बताना था ना कि अगर जो हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऐसे देखते जाइएगा, एक और चीज़ आपको दिखाना है। ये 3, 2 and 1। ये देखिए, पता है ये जतिन नाम का जो बंदा है ना, ये भाई ये मेरा हर वीडियो पे कमेंट करता है भाई, हर वीडियो को लाइक करता है, सभी सजेशन देता है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए ना हमने इसका ना नाम यहाँ पे अंकित कर दिया। ये हमेशा रहेगा, ठीक है। हमने ये नाम इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये नाम हमेशा रहने वाला, ठीक है। अगर जो आप हमारी वीडियो पर लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और कुछ सजेशन दे रहे हो, हमसे इंगेज कर रहे हो ना, तो आपका एक हक बनता है हमारे वर्ल्ड में हमेशा के लिए प्रेजेंट हो जाने का, तो ये हमेशा के लिए प्रेजेंट रहेगा। तो ये बंदा ने बहुत मेहनत किया अभी भाई, बंदा मतलब स्टार्टिंग से हमारे साथ था, जब मेरा कोई भी स्ट्रीम नहीं देखता था ना, और अभी भी कोई ज़्यादा व्यूअर नहीं है, बट ये बंदा हमेशा अवेलेबल रहता था। तो हमने एज ए ट्रिब्यूट हमने उस बंदे का नाम लिख दिया है। अगर जो आप भी हमारे साथ बने रहोगे, अगर जो कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मतलब एज ए फ्रेंड हमारे साथ बने रहोगे, तो आपका भी नाम यहाँ पे वर्ल्ड बनेगा। और पता है ये हमने इसीलिए वर्ल्ड बनाया भी है, ये पता है सब्सक्राइबर्स एली है, ठीक है। यहाँ पे बस एली मतलब कि ALLEY, इसका मतलब होता है कि एक उनका जगह ही है। तो ये देखिएगा दूर से एकदम गजब का सोना 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 लग रहा है, देख रहे हो। तो चलिए बस यही रहा आज का एपिसोड। अब धीरे धीरे हम कुछ चीज़ें जो बनाते रहेंगे इसको हम अपलोड करते रहेंगे, और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में बच्चों। तो अभी हम चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट।